एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टीनेज स्किन केयर रूटीन। टीनेज स्किन केयर रूटीन में हमें चार बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं क्लिंजिंग, उसके बाद हमें चाहिए होता है टोनर, देन मॉइस्चराइज़र और उसके बाद होता है सनस्क्रीन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप एक अच्छा सा और अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन कैसे रख सकते हैं अपना। हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर वन से। सो सबसे पहले आती है बारी क्लिंजिंग की। सो क्लिंजिंग के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं जेंटल बेबी सोप। अगर हम बात करें नॉर्मल फेस वॉश की तो वो थोड़े से स्किन पे हार्श हो जाते हैं, उससे स्किन ड्राई हो जाती है, उससे स्किन का मॉइस्चर चला जाता है। और अगर हम कोई स्पेशल क्लिंजर लेते हैं जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए एक है फेमस, जिसका नाम है सिटाफिल, अगर आप वो लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। मेडिकेटेड अगर आप लेंगे तो स्किन के लिए अच्छा होता है, बट वो एक्सपेंसिव हो जाता है। सो यहाँ पर ये अफोर्डेबल आपको मैं बता रही हूँ, दैट इज़ बेबी सोप। क्योंकि बेबी सोप ऑब्वियसली बेबी की स्किन के लिए बना है, तो आप इसको ईजीली अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये काफ़ी जेंटल है और साथ ही में आपको क्लिंजिंग में हेल्प करता है। सो ये बेबी सोप जो है अराउंड 50 रुपीज़ का है और इसका नेट वेट है 75 ग्राम्स। ये काफ़ी ज़्यादा चल जाता है, आपको इसे अपने फेस पर यूज़ करना है, सो यू कैन यूज़ इट वेरी वेल। क्लिंजिंग के बाद बारी आती है टोनर की। सो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट टोनर, वो है अपना गुलाब जल। मेरे पास है डाबर का गुलाबरी प्रीमियम रोज़ वाटर। इसका नेट वेट है 59 ml और इसकी प्राइस है 28 रुपीज़। काफ़ी सही रेट है और ये काफ़ी अच्छा सा इसमें फ्रेग्रेंस मिल जाती है आपको। सो सिंपली आप इसे टोनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे रात के टाइम यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा सा ग्लोइंग इफेक्ट आता है, एक पिंकिश ग्लो आता है। सो यू कैन यूज़ इट। ये दूसरे एक्सपेंसिव टोनर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। उसके बाद बारी आती है हमारी मॉइस्चराइज़र की। सो मॉइस्चराइज़र में हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं बेबी क्रीम का मॉइस्चराइज़र, दैट इज़ एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड जेंटल, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेंस, मिनरल ऑयल एंड सिंथेटिक कलर्स। और ऑब्वियसली ये भी बेबी स्किन के लिए है, सो ये बहुत ही जेंटल है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये है 100 ml का और इसकी प्राइस है 135 रुपीज़। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप कोई दूसरी क्रीम लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, और अगर आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो वो एक्सपेंसिव आती है, तो उससे बेटर है कि आप बेबी क्रीम लें। अगर आप बेबी क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ दूसरा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा नॉन ब्रांड जो हो वो यूज़ करें, जैसे कि अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं नीविया का मॉइस्चराइज़र, पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र और बोरो प्लस। सो ये थोड़े नॉन ब्रांड्स हैं और अच्छे हैं, सो यू कैन यूज़ इट इंस्टेड ऑफ बेबी क्रीम। और लास्ट स्टेप आता है हमारा, वो है सनस्क्रीन। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली लोग सनस्क्रीन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते, बट क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा हॉट है और यहाँ पर काफ़ी पोल्यूशन है, सो सनस्क्रीन इज़ मस्ट। अगर आप घर पर रहते हैं तब भी आपको अप्लाई करना चाहिए, बट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर मेरे पास है डॉक्टर मॉर्फिन का ईवा मोल सन गार्ड। इट इज़ स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस, नॉन ब्रीजी विथ SPF 50 फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो ये एक मेडिकेटेड सनस्क्रीन है, इसका नेट वेट है 100 ml, इसकी प्राइस है अराउंड 150 रुपीज़। आप चेक कर सकते हैं नेट पर, बट आई विल सजेस्ट कि आप मेडिकेटेड सनस्क्रीन के बजाय आप सिंपल नॉर्मल सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन हमें एज अ मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करना होता, हमें उसे स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कराना होता, हमें इसे प्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं इसे। सो आप कोई सस्ता सा सनस्क्रीन भी ले सकते हैं। मैंने पॉन्ड्स का सनस्क्रीन जो था अराउंड जो 100 रुपीज़ में आता है वो मैंने ट्राई कर रखा है, और उसकी स्मेल काफ़ी अच्छी थी इंस्टेड ऑफ दिस, जिसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो पॉन्ड्स का सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी अफोर्डेबल है। और सनस्क्रीन आप कोई भी कौन सा भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई सस्ता सा सस्ता भी ले सकते हैं, बस आपका ये ज़रूरी है कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सो गाइज, ये था बेसिक स्किन केयर रूटीन जो आपको फॉलो करना चाहिए, एंड आई होप यू लाइक इट। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।